हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप जो ना इजी पैसा की ऐप से बिल पेमेंट बार कोड से भी कर सकते हो। वो भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह जो ना बार कोड से पेमेंट करनी है। जैसे बार कोड से आपको समझा दूँ, जो डिजिटल है QR कोड आपको बता दूँ, तो QR कोड की तरह ये बार कोड थी कि आपको मैं बता दूँ। QR कोड थोड़ा मुख्तलिफ टाइप का होता है, तो ये बार कोड आपको सिंपल ही मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, आप सबसे मेरी हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट होती है कि यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यार हमें सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों यार हमारा चैनल नया है तो आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और आप सबके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो यार आप सबका एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ कि यार आपने किस तरह बार कोड से पेमेंट करनी है, ठीक है, अपनी बिल्स की, ठीक है। तो अपनी यहाँ आप सब ने अपनी इजी पैसा की ऐप को ओपन कर लेना है। दोस्तों मैंने यहाँ अपनी इजी पैसा की ऐप को ओपन कर लिया। सिंपल ये आप बिल पेमेंट देख सकते हो, इसको आपने ओपन करना, ठीक है। और इसके अंदर आपको गैस या बिजली का दोनों को ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहले गैस का बता देता हूँ, ठीक है। उसमें उसके बाद आपने कोई सी भी जो आपके एरिया में कंपनी चल रही है, जो दो कंपनियाँ हैं फिलहाल, तो जो भी आपके एरिया में चल रही है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ SSGC है तो मैं यहाँ इसको SSGC पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दूँ कि यार यहाँ आप देख सकते हो 10 डिजिट कस्टमर नंबर, ठीक है। और आपको बता देता हूँ ऊपर आप यहाँ देख सकते हो स्कैन योर रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो अब आप करना क्या है, सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक करना, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आप यहाँ देख सकते हो फाइंड बार कोड, ठीक है, स्कैन टू फाइंड योर बिल आईडी, ठीक है। तो ये आपको कह रहे हैं कि भाई दो तरीके से आप जो ना वो कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको मैं करके दिखा देता हूँ, इसको आपने क्लिक करना है सिंपली, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यार दोस्तों आपकी जो जो इसकी स्क्रीन इसका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद अब आपको मैं थोड़ा सा बाहर ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ बिल पेमेंट पर क्लिक कर इस पर क्लिक करता हूँ, इस पिक्चर पर आप यहाँ देख सकते हो। तो यहीं आपको मैं समझा देता हूँ कि यहीं नीचे आपको जो है ना बार कोड मिलेगा, ठीक है। अभी मेरे पास जो है ना वो है नहीं, ठीक है, और ये बिल भी कटा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इधर ही आपको नीचे बार कोड मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप आईडी से करना चाहते हैं तो यार ये आप यहाँ देख सकते हो, कंज्यूमर नंबर भी आप यहाँ बाहर डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ आप जो है 10 डिजिट का कस्टमर नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा बार कोड मैंने आपको सिंपली बता दिया कि यहाँ नीचे आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ नीचे आपको मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो अभी ये फ़िलहाल बिल कटा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर है नहीं, ठीक है, वरना मैं आपको दिखाया था। और अभी मेरे पास कोई बिल भी अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको बार कोड दिखा देता, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दूँ, अगर फिर भी कुछ आपको समझ ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूँगा। और उसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यार हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।